हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पहुंच चुके हैं मेरे गांव के पास में ही। रेबारी देवता का एक स्थान है, पवित्र स्थान है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पुराना स्थान है यह पर। और बताते हैं कि यहां पर जो है एक गांव हुआ करता था देवपुरिया, जिसके अभी केवल निशानी बचे हैं। और दोस्तों, ये सामने इमली का जो पेड़ दिख रहा है, ये भी 100 साल से पुराना पेड़ है। मेरे दादाजी हैं, वो कहा करते थे कि उनके समय भी यह इमली का पेड़ था। और दोस्तों, यहाँ जो आपको हल्का जो घाटी नुमा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूर्व में गांव बसता था देवपुरिया, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है किन्हीं कारणवश गांव वाले जो है उस गांव को छोड़ के चले गए और वो हमारे गांव में आके बस गए। और तभी से यह जो है यहाँ पर जो है ये गाँव बंजर हो गया है। लेकिन आज भी यहाँ पर जो है रेबारी देवता हैं, और साथ में जो बालाजी का एक मंदिर है हनुमान जी का, वह भी यहाँ पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हर साल नवरात्रि में जो है हमारे घर पे जब खेत खलिहान का काम जब लगभग संपूर्ण हो जाता है, तब भगवान जो रेबारी देवता है उनके लिए जो है एक प्रसादी बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, चूरमा और बाटी बनाई जाती है, और भगवान को जो है इसका भोग लगाया जाता है। और जो रेबारी देवता है उनको भोग चढ़ाया जाता है, तथा यहाँ पर जो पुराना गांव था वहाँ पर लगभग 50 से 100 देवता हैं, वो अलग अलग स्थानों पर हैं, उनकी जो है मूर्तियाँ प्रतिस्थापित हैं। तो हर देवता को जो है यहाँ पर जो रेबारी देवता के जो पुजारी हैं उनके द्वारा जो है भोग चढ़ाया जाता है। और हर नवरात्रि में जो है सभी देवी देवताओं को जो है भोग चढ़ाकर उनको हमारी तरफ से एक जो काफ़ी समय से जो नियम बन गया है यह है, उसकी हमारे से पूर्ति की जाती है। ये देखिए, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, बालाजी का हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर यह भी काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। और इसके चारों तरफ जो है देवी देवता है उनका वास है। जी हाँ दोस्तों, यह बरसात के दिनों में इस यहाँ पर जो है पानी भरा रहता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे, और अभी शाम हो गई है तो देखिए जो सूर्य की लालिमा है वह पेड़ पौधों के बीच में से झलक रही है। जी हाँ दोस्तों, रेबारी देवता मेरे गांव के पास में स्थित हैं, और हर साल जो है हमारे द्वारा यहाँ पर जो है एक छोटी सी रसोई की जाती है और भगवान को जो है भोग चढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज और इसलिए मैं बता रहा था कि ये यहाँ जो इमली का वृक्ष है वो 100 साल पुराना वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।